कुछ है वो बाहर गेट के बाहर मिल जाएगा जी हाँ वो पुलिस की गाड़ी खड़ी Thank you.
There is no more water. This is the only water and black water. ये वाला सिटी का पानी है, नाले का पानी है। कहाँ का? नाले का। अच्छा। सिटी का पानी है। Very यमुना water then. यमुना water का time नहीं है, फिर मॉनसून आएगा जब मिलेगा आपको यमुना का water. बनाना पानी नियरो, पानी नियरो, बना साइब। मुझे कड़े दीजिए, कड़े दीजिए। और बाहर एक चांगर बांगूड़ा। बहुत अच्छा काम हो रहा है सुरक्षा में। अच्छा क्या? इंग्रेव, इंग्रेव एंड कार्डिंग बर्ड आर यूज इन द कार्डिंग। इंग्रेव बर्ड काफी फेमस है आगरा में। इंग्रेव वर्क, हाँ ये पास हो तो नजर आता है। इनलेट, इनलेट भी कह सकते हैं आप। इनलेट बर्ड अभी पास से दिखाऊंगा आपको ऊपर से। यू कैन टच इनलेट बर्ड बाय योर हैंड, बाय योर फिंगर। This is the pure white marble. How you can say it is a pure white marble? When you put the torch here, the white marble glows from inside. When you choke hota hai, looks like white, alabaster looks like white, but that's not a pure white marble. Jo bahar log tajil bana rahe hai, modern tajil bana rahe hai, tajil bech rahe hai, wo sab pure white marble. White marble ka tajil aapko kahin milega governmental sector. Ye patta kya hai iske upar na? ये मकराना है। ये वाला पत्ता है इसमें। ये वाला इट इज नॉट ए पत्ता, दैट इज अ पान, दैट इज अ बीटली। बीटली वही तो मैं कह रहा हूँ, पान का पत्ता है ना। पान का पत्ता है ये, सिर्फ वेलकम के लिए बनाया गया है। वेलकमिंग के लिए। अच्छा, वेलकमिंग के लिए। मेरे को नहीं पता था मेरी वेलकम भी होगी यहाँ पे। वेरी गुड। हम लोगों ने नहीं बनाया गया, ये बनाया गया शाहजा ने बनवाया था रिलेटिव के लिए। जब शाहजा को नहीं मालूम था यहाँ विजिटर आएंगे। अच्छा, शाहजा को क्या मालूम था यहाँ पे विजिटर आएंगे। अच्छा, तो शाहजा ने बनवाया था अपने रिलेटिव के लिए। जो रिलेटिव आएंगे औरंगजेब वगैरह और लोग भी हैं जो खानदान के आएंगे, उनका वेलकम होगा। क्योंकि उस टाइम में शाहजा के टाइम में उनको जो भी गेस्ट आता था ना, तो उनको पान दिया जाता था खाने के लिए, बीटल लीव, पीस ऑफ बीटल लीव, टोबैको एंड लाइम, सुपारी होती। ये जाली क्या है यहाँ अंदर? वो है वो जाली है ना, ये सिर्फ जाली रूम की जाली है, क्योंकि ताजमहल को चौकोर बनाया गया। इन द मिडिल ऑफ द ताजमहल देयर इज द बेसमेंट, अंडर द बेसमेंट देयर आर टू कॉफिन्स फॉर मुमताज महल एंड शाहजहां। अराउंडिंग द कॉफिन्स देयर आर द बिग बिग रूम जस्ट फॉर गिविंग द हाई लुक ऑफ दिस ताज। अंदर कुछ नहीं, ओके ओके ओके, खाली है। परछाई अरेंज की।
वीआईपी गेस्ट हाउस और ये वाली बिल्डिंग बहुत आर सेम। ये जो ऊपर कमल बना हुआ है ये डोम के ऊपर, ये कमल तो हिंदू मंदिरों में बना होता है। हाँ जी सर। नहीं लेकिन यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया गया है ना सर। रिवर्स है ये? ये रिवर्स है, देखिए ना आप। अच्छा सीधा नहीं है। अच्छा उसमें मंदिरों में सीधा बना होता है? हाँ, सीधा बना होता है। अच्छा उसको रिवर्स कर दिया? रिवर्स कर दिया है। ये अरबिक जो है ना, इसमें हम कहते हैं ना पुस्तक, पुस्तक वो बोलते हैं किताब, किताब उसको भी पुस्तक को भी उल्टा कर देते हैं। कई वर्ड्स कई चीजें ऐसी बनी हुई हैं। अरबी तो इधर से चलती है ना, और जो इंग्लिश वगैरह और भी लैंग्वेज वो किताब, किताब पुस्तक देखो हाँ किताब, तो उसको उल्टा कर देते हैं, वो तो बन जाता है वो उल्टा कर दिया। तो इसको ये उल्टा किया हुआ है। उल्टा क्यों किया? तो बनाया भी है इस्लामिक मुगल आर्किटेक्चर देने के लिए। ऐसे आपको उल्टे ये लोटस फ्लावर आपको जामा मस्जिद से मिल जाएंगे दिल्ली के अंदर। अच्छा जामा मस्जिद है ना, आगरा फोर्ट में उसके मिल जाएंगे, दिल्ली के लाल किले मिल जाएंगे सर आपको। और आपका बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में, वहाँ भी औरंगजेब ने यूज किया बीबी के मकबरे में। और ये ताजमहल है ना सर, इसका भी यूज किया हुआ है। अच्छा लेकिन यहाँ से दिखाई देगा, दूर से दिखाई देगा। ये सर ये फ्लावर डिजाइन कार्पेट, फ्लावर डिजाइन कार्पेट ऑफ ताजमहल। आप देख रहे हैं चार पेटल्स नजर आ रहे हैं वाइट मार्बल के अंदर, तो ये जैस्मिन फ्लावर के पेटल्स हैं। जैस्मिन फ्लावर के लाइक ए जैस्मिन फ्लावर, बिकॉज उसको जैस्मिन फ्लावर पसंद था शाहजहां को, रोज फ्लावर नहीं पसंद था। ऊपर आपको मिलेंगे कार्पेट के डिजाइन, ज्योमेट्रिकल डिजाइन। इसके ऊपर चढ़ सकते हैं हम? ये छतरियों से चढ़ सकते हैं लेकिन बंद है। यहाँ बैठते हैं आप जरा फोटो, एक चक्कर लगा के आते हैं बाहर पहले, फिर अंदर जाएंगे कोई बात नहीं। पास इसकी मिनारेट की फोटो लेना है इसे साइड से। डीप लगते हैं दूर से देखो तो, ये जो आर्चेस है ये वाले कटाई जो हो रखी है ना, हाँ। ये वाली जो कटाई है ना ऊपर की हो रही है ये। अच्छा इसमें पता क्या है, कुछ खास बातें जो हमें आप बता नहीं रहे हैं सर? मैं बताऊं क्या सर, मैं थोड़ा आप बताइए हो जाए तभी मैं बताना। ये जो ब्लॉक्स हैं ये ऊपर ऊपर ना बड़े बड़े होते जाते हैं ताकि ये बराबर दिखे, बराबर दिखे। और बताइए तो, क्योंकि शाहजहां के टाइम में सब लोग अरबी जानते थे इसलिए शाहजहां ने इस तरीके का काम किया। जैसे कटाई बता रही ना मैडम, ये कटाई हो रही है, दैट इज नॉट ए कटाई, दैट इज एम्ब्रॉयडरी वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क है ये। इसके बारे में मैडम मैडम आपको बताया था ना, एम्ब्रॉयडरी वर्क बताओ, एम्ब्रॉयडरी वर्क, क्योंकि इस तरह की एम्ब्रॉयडरी पहले बहुत चलती थी। गोल्डन वॉर्ड जो गोल्डन वाइट होते हैं, लीफ होती है, फ्लावर्स होते हैं, जो ऑन द वेलवेट, वेलवेट होता था ना वेलवेट, ये लोग पहले वेलवेट ही क्लोथ पहनते थे ना, जिस तरह की करते रॉक हाँ बताइए बताइए और बताइए। पार्थी यू विल सी दिस पिलर, नो दिस पिलर यू विल सी सेम अप टू दैट, बट वेर आर यू सी स्मॉलर थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, सो एट दैट टाइम द आर्किटेक्ट पुट बिगर स्टोन्स। एंड जो दिस डिफरेंस ऑल्सो बिटवीन द ब्लैक स्ट्रिप्स यू विल सी द सेम होते हैं।
सो दे पुट इट लाइक दैट दैट जब आप दूर होते ना ऐसा लगता है कि आप छू लेंगे उस तरीके से, जब दूर चले जाते पास जाते तो छू नहीं पाते उसको। बात ये है कि ऐसे लगता है ये ऐसे कौन सा बॉर्डर दिया गया है? ये अलग कारपेट डिजाइन है, ये जो इसका बेस का, ये जो बेस है इसका। हाँ ये बेस है, ये वाला पास आइए ना। ये आप देख रहे हैं ना, ये बॉर्डर का डिजाइन है, कारपेट का जो बॉर्डर नहीं होता उसका डिजाइन है। ये सब कार्विंग वर्क है। लोग कहते हैं कि ताजमहल फेमस है व्हाइट मार्बल के लिए, लेकिन आई एम नॉट सपोजिंग ताजमहल इज फेमस फॉर द व्हाइट मार्बल, बिकॉज ताजमहल फेमस फॉर द इनलेट वर्क एंड कार्विंग वर्क ऑल्सो। इट इज द कार्विंग वर्क। ये डिजाइन देख रहे हैं सर, ये पान के डिजाइन है, ये भी काफी फेमस है आगरा के अंदर कार्विंग वर्क के साथ। ये वाला जो आप डिजाइन देख रहे हैं ना, दैट इज सिंगल पीस ऑफ व्हाइट मार्बल, वहां से वहां तक नहीं, नहीं बीच में है। काफी बड़ा, इतना बड़ा पीस कितना बहुत मुश्किल से बनता है। काफी बड़ा पीस है, थ्री प्लांट के वहां पर फ्लावर फूल, कमल का फूल, 54 पेटल्स ऑफ रूबी, दैट इज रूबी। व्हेन यू पुट द टॉर्च ऑन द लोटस फ्लावर, सो दिस लोटस फ्लावर ग्लोज फ्रॉम इनसाइड, बट टॉर्च इज नॉट अलाउड हियर, सो आई विल शो यू इन गवर्नमेंट फैक्ट्री, क्योंकि वहां पे वर्कर जनरल से वर्किंग कर रही है। सिंगल पीस 40। ये जो है ये शाहजहां के टाइम पे बना था कि ये बाद में रेप्लिकास बने हैं? रेप्लिकास बाद में शाहजहां के लड़के औरंगजेब ने बनाया। क्यों बनाया? उसके पीछे एक वजह थी, इसलिए बनाया जब यहाँ पे औरंगजेब आए शाहजहां के बाद 1600। सब फूल अलग अलग तरह के हैं। हाँ बताइए बताइए। 1667 में शाहजहां यहाँ पर आए, क्योंकि 1666 में शाहजहां की डेथ हो गई, औरंगजेब यहाँ पर आए एक साल बाद। जब उन्होंने देखा ऊपर कुछ भी नहीं था, ये गिरी भी नहीं थी, बीच में रेप्लिका भी नहीं थी। उसको मतलब काम करने से मना कर दिया ना एक तरह।